ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रही हैं श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा और पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा, पिछले कुछ दिनों से हमारी ये श्रृंखला चल रही है और पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते रहे इतने दिनों, बहुत सारी जानकारी ली और आज इस श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी है। तो पंडित राजन मिश्र जी, पंडित साजन मिश्र जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। अरविंद कुमार आजाद जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद मराठे जी, आपको भी नमस्कार। और हमारे साथ हैं राम कृष्ण दास, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो आज आखिरी मौका है, आप क्या पूछना चाहते हैं वो पंडित जी से पूछिए। मेरे मन में ये सवाल था कि ठुमरी एक बहुत प्यारी विधा है संगीत का, लखनऊ और बनारस में इसका विकास हुआ है। मैंने जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ठुमरी नहीं गाते हैं, तो मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों नहीं गाते, ये सवाल पूछूं, इतनी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पंडित जी ने खुद बोला कि आप पूछ सकते हैं, तो मैं पूछता हूँ पंडित जी, आप लोग क्यों ठुमरी नहीं गाते हैं? हाँ, बनारस और ठुमरी बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है जी, इसीलिए तो। और इसीलिए हम नहीं गाते हैं कि बनारस के साथ जो ठुमरी का नाम जुड़ा हुआ है तो उससे एक भ्रांत धारणा लोगों ने फैला दी संगीत जगत में। वो भ्रांत धारणा ये थी कि बनारस में ख्याल नहीं गाया जाता था या बनारस में सिर्फ ठुमरी का ही परंपरा रहा है। ये धारणा इतने प्रमुखता से फैलाई गई और इसको ऐसे साजिश षड्यंत्र रच के फैलाया गया कि हर प्रिंट मीडिया से बनारस घराने को गायब कर दिया। बनारस में सिर्फ यही प्रचार कर दिया कि सिर्फ ठुमरी दादरा कजरी गाया जाता था। और ये हमें ठेस लगा इस बात से क्योंकि बनारस सबसे प्राचीनतम शहर है, तो जो सबसे प्राचीनतम जगह होगा वहाँ संस्कृति का विकास सबसे प्राचीनतम होगा। और बनारस में ध्रुपद धमार से लेके ख्याल टप्पा तराना कजरी तक की परंपरा रही है, तो इसलिए हमने बचपन में ही ये निश्चित किया कि हम ठुमरी नहीं गाएंगे, हम सिर्फ ख्याल गाएंगे, टप्पा गाएंगे, तराना गाएंगे और भजन गाएंगे। और बाबा विश्वनाथ के कृपा से आज लोगों को पता लग गया है कि बनारस में ख्याल की भी परंपरा रही है, तभी हम लोग आज इस्टेब्लिश हो पाए। बहुत समृद्ध परंपरा। बहुत समृद्ध परंपरा। तो अब कभी कभी मौका लगता है तो हम गा भी देते हैं ठुमरी, और जो सुना हुआ है, जो देखा हुआ है, क्योंकि ठुमरी हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसे ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे ऐसे लोगों को सुना है कि वो अंदर रसा है, बसा है, तो कभी मन करता है तो गाते भी हैं। आपको एक दो चीज मैं सुनाता हूँ। देखिए, एक बराबर की ठुमरी है, बराबर का ठुमरी मतलब तीन ताल की ठुमरी, और हमारे देश के बहुत बड़े नृत्य के विद्वान पंडित बिद्या दीन महाराज, उनकी रचना है। ए, अरे काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे। मैं तो लाखन बार समझाए, मैं तो लाखन बार समझाए,
कहानी देत कनाई रे माटू की पकड़ मोरी झटकी पाटकी माटू की पकड़ मोरी झटकी पाटकी बिंदा चाहता सागरी लोगन में मोरी पत गवाई रे का करो देखो गारी दे तकनाई रे काह करो देखो गारी दे तकनाई और बनारस की एक ठुमरी सुनाता हूं ना, मोरे तोरे तोरी मोरी ना बनेगी श्याम मोरे तोरे तोरी मोरी ना बनेगी श्याम मोरे तोरे तोरे मोरी ना बनेगी श्याम मोरे तोरे तोरे मोरी ना बनेगी श्याम हटो हटो चलो जाओ सौतिन के धाम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी ना बनेगी अरे ना बनेगी श्याम श्याम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम हटो हटो चलो जाओ सौतिन के धाम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम तुम नंद लाल मोस छल बतिया कीनी नंद लाल मोस छल बतिया कीनी मुरली बजा के मेरो मन हर लियो निपट निडर कबड्डी श्याम तोहे प्रणाम तोहे प्रणाम तोहे प्रणाम मोरी तोरी तोरी मोरी ना बनेगी श्याम 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 मोरी तोरी। इस तरह की बहुत प्राचीन रचनाएं हैं। एक और रचना सुना देता हूं। देखिए, माज खमाज का ख्याल, माज खमाज में ख्याल सुनने को नहीं मिलता है जी। आए रे नाए आए झपताल आए अचानक गहलीनो मोरी पैया बचना रे रे गहे लेनो मोरी बैया बचानक गहे लेनो मोरी बैया बचानक गहे लेनो मोरी है बैया बचानक गहे लेनो मोरी बैया उर लपटाए करत लंग अचानक गहे लेनो मोरी बैया अचानक आ जा
नंदलाल तो से विनती करत हूँ, नंदलाल तो से विनती करत हूँ, और पढ़ू तो रे पैया है अचानक गहली लो मोरे पैया पुर लपटा करत लग रैया अचान। बहुत ही सुंदर, क्या नजाकत है इसमें, क्या बात, क्या बात है। आहा, जी तो नहीं भरता है, पर कोई भी श्रृंखला शुरू होती है तो उसका समापन भी होता है। तो मेरी संगीत यात्रा ये जो श्रृंखला थी ये आज इसकी अंतिम कड़ी थी। पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया, एक से एक नायाब चीज़ें हमारे श्रोताओं को सुनवाई। और रामकृष्ण दास जी, आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अक्सर खोजी हूँ और मुझे इतनी सारी चीज़ें जानने को मिला, सुनने को मिला, मैं बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कहूँ इतना आर्टिस्टिक गाना मैंने शायद ही सुना है शुरू से लेकर अंत तक, क्या कहने, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए तो आज श्रोताओं, आज की ये जो अंतिम कड़ी थी इसका समापन समय भी आ गया है, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुनी श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा और पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा। तकनीकी सहयोगी प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहयोगी वीणा राय सिंघानी और प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। अब ये श्रृंखला संपन्न होती है। Sa